तो यार आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन पांच म्यूचुअल फंड के बारे में जिनमें आप निवेश कर सकते हैं केवल 100 रुपए प्रति महीने में। दो मिकालू टिक्की जो कि 100 रुपए में बिकते हैं यार मैकडॉनल्ड्स में, उस प्राइस में आप म्यूचुअल फंड में निवेश 100% कर सकते हैं। यार मैं जानता हूँ कि एज टीनेजर्स 500 रुपी यानी 500 रुपए यार मंथली इन्वेस्ट करना उतना फीजिबल नहीं है और यूट्यूब की भी अर्निंग कुछ ज्यादा नहीं होती है। तो इन पांच म्यूचुअल फंड को मैंने सिलेक्ट किया है तीन कारणों की वजह से। तो पहला जो कारण है वो है इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस। सो पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, मतलब कितना रिटर्न्स दे रहा है और ये फंड की परफॉर्मेंस क्या है उस बेसिस पे। तो सेकेंड जो उसका क्राइटेरिया है वो है फंड मैनेजर एंड इट्स होल्डिंग्स, यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उस पैसे को मतलब कौन हैंडल करता है और जब आप वो निवेश करते हैं तो कौन सी कंपनीज में वो पैसा यू नो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो वो होता है हमारा सेकंड क्राइटेरिया। और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है, तो तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। तो जो फंड कंपनी आपका फंड मैनेज कर रही है ना, वो फंड मैनेज करने के लिए वो थोड़ा कमीशन रखती है, वो थोड़ा चार्ज रखती है, उस चार्ज को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है म्यूचुअल फंड बेसिक्स पर, तो वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, तो जरूर देखिएगा। तो यार पहला जो फंड निकल के आता है इस लिस्ट में वो है एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड। सो एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड का NAV प्राइस है 31.7 रुपीज और फंड का टोटल साइज है 13,003 करोड़। अगर हम बात कर ले इस फंड को मैनेज कौन करते हैं, तो इस फंड के फंड मैनेजर है श्रेयस देवाड़कर। तो अगर यार पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए इस फंड के बारे में, तो प्रीवियस 5 ईयर्स यानी कि 5 सालों का फंड रिटर्न है 9.5% और ऑल टाइम जो रिटर्न्स देता है ये फंड वो है 13.51%। तो पहला जो अपना फंड है वो है एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड। तो ये एक इक्विटी फंड है और अगर हम देखें इस फंड की होल्डिंग्स तो आप देख सकते हैं कि 95.8% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी यानी कि जो कंपनीज जो निफ्टी में है, यानी कि टॉप 50 कंपनीज जो है उनमें ये इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप देखते हैं कि सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखते हैं तो सर्विसेज सेक्टर में 8% इन्वेस्ट करता है, एनर्जी सेक्टर में 6%, टेक्नोलॉजी में 14% और फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक्स में ये सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करता है। देख सकते हैं कि आप 32.9% जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अगर हम बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की, तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में जो निवेश करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है HDFC बैंक में, एवेन्यू सुपरमार्केट्स, इंफोसिस, TCS, रिलायंस, ICICI। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फंड है ये। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आती है इस लिस्ट में। एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का 0.44%, जो कि बाकी फंड्स के कंपैरेटिव में बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आप बात करें एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड ये फंड चार्ज करता है आपको 1% अगर आप रिडीम करते हैं अपना म्यूचुअल फंड विद इन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के अंदर अगर आप अपना फंड रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड 1% आपको पे करना पड़ेगा। तो दूसरा जो फंड आता है इस लिस्ट में वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो ये भी एक ब्लू चिप फंड ही है और इस फंड का NAV प्राइस है ₹39.03 और इस फंड का टोटल साइज है 21,765 करोड़। तो बहुत ही बढ़िया फंड है ये भी, एक लार्ज कैप फंड है जो कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है और इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP, जो मिनिमम SIP है इस फंड की वो है 100 रुपीज पर मंथ। तो यार अगर हम बात करें इस फंड की प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंसेस की, तो पिछले 5 सालों में ये फंड जो रिटर्न्स देता है वो है 8.70%। और अगर ऑल टाइम की बात करें जो रिटर्न्स ये फंड देता है वो है 11.88%। तो दूसरा जो फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो ये भी फंड एक ब्लू चिप फंड ही है जो कि यू नो मेजॉरिटी में इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। अगर हम देखें इस फंड की पोर्टफोलियो, तो आप देख सकते हैं कि 95.42% जो ये फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट फंड्स में 1.15%। आप देख सकते हैं किन किन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, HUL, तो इन सब कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है। यार इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है जो कि 1.78% और एग्जिट लोड जो है वो सेम है बाकी फंड की तरह 1%
इफ यू रिडीम द फंड, यानी अगर आप इस फंड को रिडीम करते हैं एक साल के अंदर, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो तीसरा जो फंड निकल के आता है इस लिस्ट में वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इस फंड को पहले हम कहते थे रिलायंस लार्ज कैप फंड, बट अभी उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। अगर हम बात करें इस फंड की एनएवी प्राइस की, तो इस फंड का एनएवी प्राइस जो है वो है ₹28.62 और इस फंड का जो साइज है वो है 9,450 करोड़। अगर हम बात करें इस फंड के प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंसेस की, तो पिछले 5 सालों में ये फंड रिटर्न जो देता है वो है 3.23%। तो तीसरा जो फंड है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें आपके फंड मैनेजर जो है ना वो आपका पैसा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी इन्वेस्ट कर देते हैं टॉप 100 कंपनीज में जो कि लिस्टेड है अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अगर आप होल्डिंग्स की बात करें तो ये फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है ITC लिमिटेड में, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, SBI, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। सो आप देख सकते हैं कि इक्विटी होल्डिंग जो है ना वो है 98.29, सो मेजॉरिटी जो होल्डिंग्स है वो इक्विटी में है। अगर आप बात करें इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, वो है 1.91%। और इस फंड का जो एग्जिट लोड है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है 1% एग्जिट लोड लगता है अगर आप रिडीम करते हैं अपना अमाउंट विद इन 7 डेज, नॉट विद इन 1 ईयर, बट विद इन 7 डेज अगर आप रिडीम करते हैं। तो अगला जो फंड है इस लिस्ट में वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, मल्टी कैप फंड उस तरह का फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है उसके ऊपर, आप वो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक कर दूंगा। अगर हम बात करें इस फंड की एनएवी प्राइस की, तो एनएवी प्राइस है ₹267.60 और फंड साइज है 4,869 करोड़। बात करें इस फंड की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की, तो पिछले 5 सालों में यह फंड हमको दे रहा है रिटर्न्स 5.29% की और ऑल टाइम रिटर्न्स दे रहा है 10.81% की। तो अगर हम बात करें इस फंड की, तो आप देख सकते हैं कि ये फंड जो है ना, मतलब टोटल फंड साइज 4,869 करोड़, उसमें से 97.3% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं स्क्रीन। अगर हम बात करें टॉप होल्डिंग्स की, तो ये फंड इन्वेस्ट करता है भारतीय एयरटेल में 8.7% एसेट्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस। तो आप देख सकते हैं मेजरली बैंकिंग सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में ये फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की इस फंड की, तो एक्सपेंस रेशियो है 1.06% और एग्जिट लोड है 1% अगर आप रिडीम करते हैं अपना म्यूचुअल फंड अमाउंट को विद इन 1 ईयर। तो यार आखिरी जो फंड है इस लिस्ट में वो है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। तो आपको लग रहा होगा कि ICICI वालों ने पैसे दिए हैं, बट नहीं यार, कोई स्पॉन्सर देने के लिए रेडी नहीं है। वैसे इफ यू आर वॉचिंग दिस ICICI स्पॉन्सर, सो जोक्स अपार्ट, यार ये फंड्स मेरे को पर्सनली लगते हैं कि बेस्ट हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ₹100 SIP पर मंथ, इसीलिए इन फंड्स को मैंने लिस्ट में रखा हुआ है। अगर बात कर ली जाए इस फंड के एनएवी प्राइस की, तो इस फंड का एनएवी प्राइस है ₹86.54। फंड साइज जो इस फंड का है वो है 1,469 करोड़। तो अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये पिछले 5 सालों में फंड हमको दे रहा है रिटर्न 3.63% की। तो आखिरी जो अपना म्यूचुअल फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। तो अगर आप होल्डिंग्स की बात करें, तो ये फंड जो है वो 92.6% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो अगर होल्डिंग्स की बात की जाए, तो टॉप होल्डिंग्स में नंबर वन पे आता है PI इंडस्ट्रीज, जो कि केमिकल सेक्टर में है और ये भी एक इक्विटी है। टाटा पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, वोल्टास, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये सब सेक्टर्स और ये सब कंपनीज में ये जो फंड है वो इन्वेस्ट करता है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.55%, जो कि थोड़ा ज्यादा है, बट द एग्जिट लोड, जो एग्जिट लोड है इस फंड का वो है 1% अगर आप रिडीम करते हैं आपका अमाउंट 12 महीनों के अंदर। तो ये था हमारा दोस्तों आज का भौकाल वीडियो। तो कुछ ट्राई किया है फन वे में लाने के लिए, फन वे में प्रेजेंट करने के लिए ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक करो इस वीडियो को। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य दे रहा हूं तुमको, ठीक है? इस वीडियो को शेयर करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर तरफ शेयर करो यार, स्प्रेड नॉलेज। सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।